क्योंकि हम दोनों का स्केड्यूल इतना टाइट है ना, इतना कच्चा भी टाइट नहीं होता भाई साहब जितना हमारा स्केड्यूल टाइट है। और वैसे देखा ना जाए हरिहरन, हम दोनों के फेसेस कितने ग्लो कर रहे हैं बहुत ज्यादा। ये फेयर लवली का कमाल है कि त्वचा का नहीं, ये जोश का कमाल है। What's up people, welcome back with another video vlog of VeeStyle Vlogs. और आज का दिन बहुत स्पेशल है मेरे लिए, और साथ में साथ जो रेडियो पंजाबी 93.9 FM डबलिन साउथ के जो चलाते हैं शो रिम्पी पंजाबी, आज उन्होंने सक्सेसफुली डबलिन में रेडियो चलाते हुए पूरे दो साल उन्होंने अपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, और उसी की खुशी में आज सारा ये इवेंट हो रहा है। थोड़ा मैं लेट हो गया, जॉब से फिनिश किया तो M50 पे थोड़ा काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, वो इस वजह से था क्योंकि वहाँ पे कोई बिग कोलिजन हो चुका था, तो उस वजह से मैं लेट पहुँचा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। तो अभी मैं आपको मिलवाता हूँ रिम्पी भाजी से। पहले तो रिम्पी भाजी को तो मैं भाजी आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, आपने सक्सेसफुली दो साल डबलिन में अपनी पंजाबी लैंग्वेज में लोगों को एंटरटेन किया। भाजी आपके लिए एक फ्यूचर का आगे क्या है, दो साल कंप्लीट कर लिए, इसके आगे आप क्या लेके आने वाले हो? वैसाखी फेस्टिवल आ रहा है जी अप्रैल से, बहुत बड़ा, बहुत अच्छी बहुत बढ़िया सिंगर जो अनाउंस नहीं कर रहे, पर जनवरी तो पहले वीक अनाउंस करा, जो सिंगर ने बहुत बढ़िया ने कल्चर के संबंध में, मोस्टली जितने भी इन्होंने इवेंट किए ना रिपी पंजाबी ने, सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि जो शो होता है ना इसके ऊपर बिल्कुल फ्री होता है, कोई टिकट चार्ज नहीं लेते, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है अपने हटे मेरी सिस्टर प्रीति जफा। तो अभी आपको मैं मिलाता हूँ आज के इवेंट का जो हमारे बहुत ही प्यारे से प्रीति जसवाल जो होस्ट कर रहे हैं, उनसे आपको मैं मिलवाता हूँ। प्रीति जी कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सबको मेरी तरफ से नमस्ते, सत श्री अकाल जी आयान। क्या बात है, इतना वार्म वेलकम इतना भर भर के आ रहा है। बिल्कुल, पंजाबी रेडियो का प्रोग्राम है तो वार्म वेलकम तो होना ही चाहिए, पंजाबी तो खुले दिल के होते हैं। मैं तो एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं तो रिम्पी पाजी को काफी टाइम से जानता हूँ, तो मेरा एक ड्रीम भी था कि मैं इनके रेडियो शो पे गया, और मैं गया भी, इन्होंने मेरे को इनवाइट भी किया। हाँ, मैंने देखा था वो इंटरव्यू, बहुत अच्छा था। थैंक यू। और आप कैसे मतलब रिम्पी पाजी को जानते हो? मैं उनके साथ अभी जुड़ी हूँ पंजाबी रेडियो की वजह से ही। इनका एक फंक्शन हुआ था तीज का, जो सिर्फ वुमेन्स के लिए ही कराया गया था, जी, जी, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था लिटिल बिट, बट उसके तब से मैं जानती हूँ रिम्पी वीर जी को। रिम्पी वीर जी से थोड़ी बात हुई तो उन्होंने बोला कि अगर तुम ज्वाइन करना चाहती हो हमें, तो मुझे लगा कि फॉर अ गुड कोज, मैं पंजाबी भी हूँ, मैं मैरिड हूँ हिंदी फैमिली में क्योंकि वहाँ हिंदी बोली जाती है, तो आई एम इन टच ऑफ ऑल थ्री लैंग्वेजेस, पंजाबी हिंदी इंग्लिश, बट मैं अपनी माँ बोली से भी जुड़ना चाहती हूँ, इसलिए मैंने पंजाबी रेडियो ज्वाइन। यही बात मुझे रिम्पी पंजाबी की अच्छी लगती है, आज उनका इवेंट है, उन्होंने दो साल सक्सेसफुली अपने पूरे किए हैं रेडियो चलाते हुए, वो भी पंजाबी में, वो भी डबलिन में बाहर की कंट्री में रहते हुए, तो आज मोस्टली बातें उन्हीं के बारे में होंगी कि वो कैसे इंसान है, और उनका ये नेचर मुझे बहुत पसंद है, जो जैसा कि प्रीति ने एक्सप्लेन किया कि जब किसी इवेंट में जाते हैं तो वो ऐसे पिक करते हैं चुटकी बजा के ना कि ये बंदा कुछ कर सकता है परफॉर्म, और ऐसे ही मेरा उनके साथ मेल हुआ था, और ऐसे ही स्टोरी सेम प्रीति की भी है। थैंक यू सो मच प्रीति।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਿਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਡਾ ਵਧੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੋਰ ਤੋਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 22 ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਟੀਮ ਕੇ ਕਿਡਸ ਭੰਗੜਾ 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 ਭੰਗੜਾ। ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਅ ਬਿਗ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਅਪਲੌਜ਼ ਟੂ ਅਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਰਿੰਕੀ ਭਾਜੀ ਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਮੁਝੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਬ ਆਪ ਲੋਗ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਮਿਮਿਕਰੀ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਯੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਾਸੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕਾਲਡ ਗੰਜੀਰਾ। आपको एक और एक टैलेंट से रूबरू कराना चाहता हूं जो है मिमिक्री का सचिन तेंदुलकर। या आई वुड लाइक टू से दैट द मैच इज इंटरेस्टिंग एंड टू द पीपल हु टॉक टू मी बट स्टिल ही डस गुड एंड इट्स व्हाट आई थिंक एंड आई वुड लाइक टू थैंक वीरेंद्र शर्मा फॉर हिज ब्रिलियंट पार्टनरशिप एंड एमएस धोनी फॉर हिज कैप्टनशिप एंड ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट एफर्ट एंड आई वुड लाइक टू से दैट इट वाज अ टीम एफर्ट एंड नॉट एन इंडिविजुअल एफर्ट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वुड लाइक टू से दैट the crowd shouting Sachin is still reverberating in 7 years. Thanks a lot guys, thank you. Thank you so much, thank you. Yoni Bhari Bhai Bhari Vilasa, thank you. दोस्तों ये जितना भी इवेंट का था, सबसे ज़रूरी बात जो इवेंट में मुझे सबसे खास बात लगी कि जो हमारे सरदार जी रजिंदर सिंह जो डबलिन में पहले दस्तार बांधने वाले जो सर पे पगड़ी बांध के
डबलिन की जो पुलिस वाले हैं जिनको गाड़ी बोलते हैं आप, हमारी पूरी पंजाबी कम्युनिटी में जो प्रेजेंट करने जा रहे हैं पंजाब को, कर नहीं रहे एक्चुअली, में कर चुके हैं कई बार, उनको मैंने देखा लेकिन कभी मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन आज मैंने उनके साथ स्टेज शेयर की, बहुत अच्छा लगा। अभी आज इवेंट पे एक और चीज हुई कि मुझे हरिहरन जी मिले, ये पता नहीं क्या चीज बजाते हैं, मेरे को खुद नहीं पता, इन्होंने मेरे को बोला मैं ये बजाने वाला हूँ, तो वो ना एक पन्नी में था, तो मुझे लगा कि शायद वो उसमें से सांप वाम कोई पिटारा निकलेगा जब बीन बजाएंगे, वो पता नहीं क्या क्या चीज क्या है वो। हाँ, वो है इंडियन क्लासिकल कर्नाटिक इंस्ट्रूमेंट है जी, जिसका नाम होता है गंजीरा। गंजीरा को वाइब्रेशन हो रही थी, इतनी ज्यादा वाइब्स आ रही थी पॉजिटिव बॉडी में, मेरे वो जो होते हैं ना गूज बम्प वो खड़े हो गए थे। मैंने कहा यार ये क्या चीज है, मतलब इतना सा है, ये जो फिंगर्स है ना बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए क्योंकि उसके वो बहुत जोर से मारना पड़ता है। तो मैंने वो फील कर रहा था एक्चुअली में, वो जो बेस थी ना उसकी मैं फील कर रहा था। तो मैं हरिहरन जी के साथ जल्दी ही आपको मैं एक नए वीडियो में मिलूंगा, हम प्लान कर रहे हैं। यस, क्योंकि हम दोनों का स्केड्यूल इतना टाइट है ना, इतना कच्चा भी टाइट नहीं होता भाई साहब जितना हमारा स्केड्यूल टाइट है। आप लोग सारे कहते हो ना डबलिन में फॉरेन में एंजॉय कर रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, भाई पार्टी कुछ नहीं होती, पैसा कमाना है, मेहनत कर रहे हैं दिन को रात, रात में दिन ऐसे काम करते हैं, और इतनी कंडीशन हमारी टाइट हो जाती है ना, ये नहीं पता लगता कि हम जीने के लिए खा रहे हैं या मरने के लिए, मतलब हमारा दिन का रात का कुछ नहीं पता चलता, स्टेबिलिटी नहीं होती। और ऐसे ही हम चाहते हैं कि अगर आप भी आना चाहते हो इंडिया से, आओ, मोस्ट वेलकम, पर अपना माइंड प्रिपेयर करके रखना। और हाँ, एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि अगर जब आप लोग आ रहे हो तो भाई बोल रहे हैं या हरिहरन बोल रहा है इस वजह से ना आओ, अपना डिसीजन लिया करो और सोच समझ के आया करो, क्योंकि यहाँ पे जैसा आप लोग को लगता है लाइफ इतना इजी नहीं है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। भाई भी स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, मुझे 10 साल होने को है, और बहुत मुश्किल से हमें ऐसे वक्त मिलते हैं बिताने को जिसमें हमारा पूरा जी भर जाते हैं और हम भूल जाते हैं। भूखा इंसान होता है ना, तो अगर पूरा खाना ना खाने को मिले, एक निवाला मिल जाए उसके लिए काफी होता है। ये इवेंट ऐसे हमारे लिए वर्क करते हैं कि हमें बस एक इवेंट में अपनी सारी भड़ास, सारा पसीना वो निकाल देते हैं। और वैसे देखा ना जाए हरिहरन, हम दोनों के फेसेस कितने ग्लो कर रहे हैं बहुत ज्यादा, फेयर एंड लवली का कमाल है कि त्वचा का नहीं, ये जोश का कमाल है। चलो भाइयों अब हम निकलते हैं बाहर को, ठंडी भी काफी है, बारिश, अभी वीडियो बहुत काली आने वाली है क्योंकि अंधेरा हो गया है यहाँ पे आइलैंड में, तो मोस्टली जो होता है ना इवनिंग टाइम में 5 बजे में अंधेरा छा जाता है पूरा, जैसे 12 बजे के रात हो। यस, और ऐसा ही हो गया, पुअर लाइटिंग के लिए माफ करना दोस्तों ये नेचुरल लाइट है, क्षमा जांचना। Several days later. तो दोस्तों बस ये आज के लिए इतना ही, और अभी मैं जस्ट वर्कआउट करके निकला हूँ मैकन स्ट्रीट में, यहाँ पे फ्लाई फिट जिम है, 24/7 खुला रहता है, तो बस जिम करके अपना फिनिश किया है। कल रात बहुत ज्यादा मैं थक चुका था, फिर मैं सो गया, उस रात को मैं जिम नहीं जा पाया। मैंने कमिटमेंट किया है कि मैं वीक में कम से कम 4 से 5 बार एवरी वीक मैं जिम जाऊं। आज मैं कम से कम 4 किलोमीटर अपने घर से आया हूं, और ये जिम मैंने पर्पसली काफी दूर चुना है अपने घर से, ताकि मैं वहां पे अपने डे ऑफ के टाइम पे मैं भाग के जाऊं, भाग के आऊं, मेरी एनर्जी और ज्यादा बर्न हो। जो पंजाबी रेडियो का जो ये इवेंट था, तो ये अभी यहीं पे इस ब्लॉग का एंडिंग होता है, तो प्लीज जाने से पहले फिर से एक बहुत ही जरूरी बात, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को, और इसी तरह मुझे प्यार देते रहो, और मैं आपको जल्द ही मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी ya।